पैर के धाम महानदी है अपार। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। DNX देखो यार, सबो संगवारी मल, जय जोहार। जय जोहार मनीष जी। जय जोहार भैया। जय जोहार मनीष जी। हमारे जी DNX यूट्यूब चैनल है। हाँ। वो खर अखबार भी हमारे जिला दैनंदिनी के नाम से लोगन जानते हैं। तो दैनंदिनी के आज 10 साल पूर्व गए और हम 11 साल में आगू बढ़ा था। अब जिन 10 साल है वो तो वास्तव में एक बचपन ही मानना चाहिए। और मीडिया तो एक ऐसा चीज है जमा कतकों साल हो जाए वो सीखे के और वो नवा नवा चीज डारे के क्रम चलत रही। हमार दैनंदिनी के जैन संस्थापक रही है, आज वो भले हमारे बीच नहीं है, श्री आर्य शुक्ला जी, लेकिन उनखर जैन सोच रही से यही कही के हम प्रिंट मीडिया में एक स्वस्थ और सकारात्मक पत्रकारिता हम कर पाए। बिल्कुल मनीष जी, जौन ढंग से हमारे सियान होते हैं और घर नेतृत्व रही थे तो वही ढंग से घर परिवार चलते और मीडिया घलो है एक किस्म से पूरा परिवार जैसे दिखे। आज हम जिन स्थिति में पहुंचे हैं हमारे एक पहचान तो बने गए है। एमा बहुत बड़े योगदान हमारे अखबार के पढ़ैया मन के है। हमारा बेरा बेरा में जैन सुझाव मिलत रही थे, हमारे जैन विज्ञापन दाता है उनको बहुत बड़े योगदान रहे है। तो हम उम्मीद करत हम कि उनकर दया उनकर माया इसमें हमारे ऊपर बने रहे और दैनंदिनी है आगू बढ़त रहे। भैया आज एक दुखद खबर है। हाँ मनीष जी, हमार छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी उनकर निधन हो गए और काफ़ी दिन से बीमार रही से 9 मई से वो नारायणा अस्पताल में भर्ती रही है। आज अंतिम सांस लेंगे तो आज हम थोड़ा सा उनकर बारे में चर्चा करो। बिल्कुल उनकर जो राजनीतिक जीवन रही से वो संबंध में और जो भी हमारे बीच में उनकर जो भी बातचीत आई से बोले जरूर हम चर्चा कर दो। तो अजीत जोगी कलेक्टर रही पहली सबोजन जाना थे उसके बाद राजीव गांधी स्वर्गीय राजीव गांधी जो हमारे प्रधानमंत्री रही है उखर मार्गदर्शन में उन्हें राजनीति में प्रवेश करी है। हालांकि इसे बताए जाते हैं कि उखर पहचान जो है आपस में वो पहली से रही से जब स्वर्गीय राजीव गांधी पायलट रही है तो रायपुर अक्सर कभी कभी उनका आना जाना हुआ है उनका फ्लाइट आती है। हाँ आते रही सर तो वो बीच इधर मिलना होत रही सर उन खबर लग जाएगी आने वाला है। तो मनीष हम आप लोग होता था वो समय में 70 से 80 के बीच के आप बात पे चर्चा कर रहे थे। तो 1970 से 80 के बीच में रायपुर के सांसद रही पुरुषोत्तम लाल कौशिक जी। कौशिक तो कौशिक जी वो समय केंद्र में नागरिक उड्डयन मंत्री रही हैं और उमन खासतौर पर रायपुर कलेक्टर वो समय जोगी जी रही हैं उन चला रही हैं कि राजीव गांधी जब भी अपन फ्लाइट लेके आए तो उनका एक विशेष ध्यान रखे जाए। जो नाम बता हो वो हिसाब से उनका पहचान तो हो गई गेरी से और बाद मिलना जुलना हुई तो उन भी लगी इसकी एक युवा कलेक्टर भी है वो काफ़ी अच्छा पकड़ रखते हैं राजनीति में भी उनका इंटरेस्ट रही से। तो वो घटना के बाद फिर धीरे से उन बुलाया गई एक चर्चा भी चलते जिनमें रात के फ़ोन आए रही से मनीष जी ये तो थोड़ा और बहुत बात के बात है। जोगी जी देखा हो आप
कतका छोटे इस गांव गौरेला में गौरेला उनखर जन्म हुई। उनखर जैन पारिवारिक पृष्ठभूमि रही से वो भी कोई बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं रही से और ऐसा IAS या IPS के सोचे के तो कोई सवाल ही नहीं रही से, लेकिन एक गांव के लड़का है पढ़ीस और इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियर रही ने जोगी जी और गोल्ड मेडलिस्ट उनला स्वर्ण पदक मिले रही से और जब उनला सिविल सर्विस में जाना रही से तो वो सिविल सर्विस में गिर तो उनला सबसे पहली IPS अवार्ड हो रही से और वो IPS के ट्रेनिंग लेवल चल रहा दे रही है। बहुत अकन ऐसा फोटो है जला विकेश जी हमला दिखाई IAS IPS के जब उनका ट्रेनिंग मिल सकती है वक्त के वो फोटो है। और में एक बात भी IAS की उन आरक्षण के लाभ हाँ उनला वो अपन पूरा थ्रू आउट कैरियर में पूरा अपन कैरियर में चाहे पढ़ाई का मामला हो चाहे सर्विस का मामला हो उमन अपन आरक्षण के लाभ कभी नहीं लेने, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आप जैन रात वाले किस्सल बताते हो कि राहुल राजीव गांधी के जैन पीए रही हैं। अच्छा हाँ फोन आए रही रात के जब जोगी जी सोए रही नो टाइम फोन ला उठे जौन जो भी रही अर्दली वगैरह जो भी है वो फोन ला उठे तो तत्काल बोले कि इसकी जोगी जी को उठाओ और बात करवाइए और फोन PMO फोन आते प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव जी ने तेन फोन करा थे तो उठा भी करी तो फिर जो भी जी रात के उठिन फोन ला अटेंड करिन उन अल्टीमेटम देगी कि 2 घंटे या 2.5 घंटे कुछ ऐसे चलत रही से बातचीत वो बीच में आप लोग फैसला करना है आप लोग राजनीति में आना है वो कर लिया मतलब कलेक्ट्रेट छोड़ के उन लोग राजनीति में बनाए बिल्कुल और राज्यसभा के सदस्य के नामांकन भरे की भेगिरी से मनीष जी हम आप लोग बतान देख लीजिए मतलब बतान कि अजीत जोगी भारत के ऐसा व्यक्ति रहे हैं जिनकर खाता में सबसे ज़्यादा साल तक के कलेक्ट्री के साल दर्ज है 1974 से लेके 1985 तक वो कलेक्टर रहे हैं और इंदौर के 4 साल वो कलेक्टर रहे हैं। अच्छा तो 4 साल तक के इंदौर में कोनो कलेक्टर रिवे नहीं करी जिससे तब तक के तो ये बहुत बड़े उपलब्धि होते कि आमतौर में अधिकारी मन ला 2.5 साल 3 साल से ज़्यादा के उनका डेरा रहे नहीं और जैसे जोगी जी कहे तो उन लोग तो कमिश्नर बने के घर में ही सो तो ये बीच में फिर राजीव गांधी जी के उन लोग 2 घंटा के भीतर जो उन्हें जवाब दे के फैसला करना पड़े कि वो राजनीति में आते। एक बहुत बड़े बात ये जो 2-2.5 घंटा के समय उन लोग मिले रही से मैं ये रही से कि एक आदमी अपन पूरा लंबा करियर ला छोड़ के 2-2.5 घंटा के अंदर ये फैसला कर ले कि वो अपन करियर ला बदला थे, यानी एक तरह से यदि 100 में कोई पहुंचे उसके बाद फिर से 0 से स्टार्ट करना होगा तो वही मतलब महत्वपूर्ण बात रही थी उसका जो व्यक्तित्व है उसका कि फैसला जो है तत्काल करीम और बताई सो हूँ ओकर बाद उन लोग वहाँ बुलाया गई फिर राज्यसभा के सांसद जी से बनी प्रवक्ता बनी ये इस तरह से ओकर मतलब जो सफर रही से राजनीति के शुरुआत हो तक रही से। तो केवल मनीष जी राज्यसभा के सांसद नहीं रही हैं वो फिर लोकसभा के भी सांसद बने फिर वो छत्तीसगढ़ के जब मुख्यमंत्री बने उस समय भी बहुत एक बड़ा विचित्र से राजनीतिक माहौल रही से खासकर कांग्रेस के भीतर और वोखर कारण ये भी से कि वो समय श्यामा चरण शुक्ल भी हैं वो 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके भी हैं फिर मोतीलाल वोरा भी हैं जो 2 घाव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और उत्तर प्रदेश जैसा राज्य के वह राज्यपाल रह चुके भी हैं केंद्र में मंत्री भी हैं और सोनिया गांधी के मतलब काफ़ी नज़दीकी माने जाए फिर विद्याचरण शुक्ल विवेक रही ने वो केंद्र में 40 साल के राजनीति के ऊपर अनुभव रही से तो ये सब ला फिर बहुत विचार मंथन हुई सो ही ऊपर उनकर कांग्रेस कमेटी में तो फिर फैसला करेगी कि एक ऐसा व्यक्ति ला एक नए राज्य में भेजना चाहिए जिला प्रशासनिक अनुभव बिल्कुल खासकर मैदानी प्रशासनिक अनुभव
जहाँ छत्तीसगढ़ में जब बहुत ज़्यादा हाँ, जरूरत रही सो जहाँ बहुत जरूरत रही से, कारकि एक तो छत्तीसगढ़ हम पिछड़ा इलाका मानत रहे और आदिवासी बहुत क्षेत्र रहे है, बिल्कुल तो इमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए रही से कि जेन आए और एक नवा राज्य ल दिशा दे के काम करे। बिल्कुल और हम समझतन कि इमें जोगी जी लग 3 साल के समय मिले रही से उन काफ़ी अच्छा अपन प्रशासनिक क्षमता के प्रदर्शन कर रही है। और राजनीति में तो भाई ऊंच नीच चलवे करते हैं, कभी जीत है तो कभी हार है, ये एक अलग प्रश्न है, लेकिन जोगी जी के जो योगदान है ओला भुलाया नहीं जा सके। बिल्कुल और बुलाया नहीं। खास तौर पर जब 2004 में लोकसभा के चुनाव रही से और वो चुनाव के दौरान वो महासमुंद में चुनाव लड़ रही है हाँ, और उनकर जिन दुर्घटना हुई से, विद्याचरण शुक्ल के खिलाफ हाँ और वो जिन दुर्घटना हुई रही से और वो दुर्घटना तो इतना घातक रही से कि जोगी जी जैसा दृढ़ इच्छा शक्ति के जिन व्यक्ति है वही वो स्थिति से पार पा सकते बिल्कुल और आज तक वो लड़े और क्यों भाव मौत ला वो ठेंगा दिखाते आए हैं। बिल्कुल मतलब जो एक्सीडेंट हो रही से ओकर बाद भी ओकर जो विल पावर है वो कम बहुत नहीं हो जबरदस्त, बहुत जबरदस्त रही से। उनके पास कुछ फोटो भी है भैया आपके। हाँ हमारे फोटो, बिल्कुल अच्छा कुछ फोटो उस संबंध में बताओ, हम दिखाते हैं आपको फोटो। अच्छा ये जो अजीत जोगी जी के बगल में खड़े हुआ है हाँ 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 और वो गोला रखे एक ठन, वो गोला का है। हाँ मनीष जी ये फोटो 1987 के है, यूटीडी कहाँ है उस समय, यूनिवर्सिटी टीचिंग टीचिंग डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में है वो है। तो वो समय हम यूटीडी के छात्र संघ अध्यक्ष रहे, तो वो समय हमारे खेल प्रतियोगिता रही से सालाना प्रतियोगिता जैन कॉलेज में होते, उमा जोगी जी उस समय राज्यसभा सदस्य रही है, तो हम उन लोग बुलाए रहे और जो भी जी आई और 2-2.5 घंटा गए और एमा वो फोटो आप नहीं दिखा था, वो फोटो मेरे पास नहीं है, जोगी जी वो गोला घलोक फेंके रही है, अच्छा, यही पाए कि मैं पूछूं ओकर पीछे कहानी का। जोगी जी गोला घलोक फेंक के वो फिर टूर्नामेंट को शुभारंभ कर रही है। और वो जो दूसरा फोटो है ये हमारे छात्र संघ कार्यालय फोटो है, जो मैं चाय वाय पिया था, हंसी मजाक चलत रही से वो समय कलेक्टर रहे हैं। वहाँ, नहीं वो समय तो राज्यसभा सदस्य रही, अच्छा, ये वही समय ये के। वही अच्छा समय फोटो है। अच्छा और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जब रायपुर के कलेक्टर रही हैं जोगी जी तो छात्र नेता मन से उनका बहुत गहरा संबंध रही सर, उमन रायपुर के छात्र नेता मन ला भलाई और कहीं कि देखो भाई छात्र राजनीति अपनी जगह है, अब अपने रोजगार वोजगार की भी तुम लोग व्यवस्था देखो, मैं कलेक्टर हूँ अभी मेरे पास इतना पावर है कि मैं तुम लोग को टैक्सी और बिल्कुल जीप फाइनेंस करवा देता हूँ, परमिट दिलवा देता हूँ। तो बहुत जन वो बेरा के छात्र नेता मन है जीप फाइनेंस करवाए हैं और जोगी जी उन लोग परमिट दवाए हैं और वो बहुत गाड़ी चलाते हैं, वो बहुत सारा नाम गिनाया जा सकते हैं, लेकिन ओकर कोई औचित्य हम नहीं समझन। जोगी जी के बारे में तो कहे सुने के बहुत है, उनका बहुत सारा किस्सा घलो है, बेरा बेरा में हम आप लोग बता घलो रही वो, और आज हम उन लोग श्रद्धांजलि देते हैं, बिल्कुल आज वो हमारे बीच नहीं है और हम हमेशा उन लोग याद करत रही वो। DMX परिवार डाले जोगी जी का श्रद्धांजलि है। तो मोदी जी अब आज की बोर्ड दाखिला समेटे जाए बिल्कुल और चले जाए। DMS देखिए जनो संगवारी मल्ला, जय जोहार। जय जोहार।